तो वही रायपुर में पुलिस ने शादी समारोह में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने इन तीनों आरोपियों के पास से सोने चांदी के जेवरात भी बरामद किए हैं। बता दें, जब्त सामान की कीमत 3,20,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस आरोपियों से अन्य मामलों में भी पूछताछ कर रही है। एक राजू सिक्का नाम का आरोपी है, जो लगभग 20 से अधिक प्रकरणों में जेल में निरुद्ध रह चुका है। यह जेल से छूटा था और यह आदतन चोर है। ये मतलब इसका मोडस ही है चोरी करना, तो उसके मोडस के आधार पर ही हम लोगों ने इसमें पूछताछ चालू की, उसको राउंड अप किया। उसको जब हम लोगों ने गिरफ्तार की हिरासत में लिया तो उसने अपना गुनाह करना स्वीकार किया और घटना में लगभग जो 12 लाख रुपए की ज्वेलरी थी वो 70% उससे सीज की गई। और साथ ही राजेंद्र नगर के एक पुराने मामले में भी उसके दो साक्षी दौरान गिरफ्तार हो चुके थे, भूपेंद्र साहू और किशन जांगड़े। अपराध क्रमांक 243/23 में उसमें यह फरार चल रहा था, तो उस मामले में भी उसकी गिरफ्तारी करके माननीय न्यायालय में उसे रिमांड पर भेजा जाए।